राजस्थान के कोटा में ईद के मौके पर किशोरपुरा मुख्य ईदगाह में अदा की गई नमाज। शहर काजी अनवर अहमद सहित 7 लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अदा की नमाज। राजस्थान के चीपा बड़ौद में मुस्लिम समाज ने घरों पर पढ़ी ईद की नमाज। सादगी से मनाई गई ईद, प्रशासन ने लोगों से की सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर ईद मनाने की अपील। यूपी के फर्रुखाबाद में रमजान के पाक माह के अंतिम दिन ईदगाहों और मस्जिदें सुनसान दिखी। लोगों ने घरों में ईद की नमाज अदा की और अमन चैन की दुआएं मांगी। उत्तराखंड के सितारगंज में मुस्लिम समुदाय ने घरों में अदा की ईद की नमाज। ईदगाह में पसरा सन्नाटा। मुस्लिम भाइयों ने लोगों से की अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घरों में मनाए ईद। यूपी के बागपत में जिलाधिकारी शकुंतला गौतम और पुलिस अधीक्षक प्रताप गोपेंद्र सिंह ने फोर्स के साथ ईद के त्योहार के मौके पर किया कई जगहों का दौरा। यूपी के बांदा में लोगों ने घर में पढ़ी ईद की नमाज। पुलिस प्रशासन ने माइक लगाकर लोगों को किया जागरूक, कोरोना की वैश्विक महामारी से बचने के बताए उपाय। हरियाणा के फरीदाबाद में शराब ठेकों के सामने पुलिस और बल्लभगढ़ प्रशासन आया बेबस नजर। ठेके मालिक जमकर उड़ा रहे हैं सरकारी आदेशों की धज्जियां। शटर बंद कर नीचे से बिक रही है शराब। बिहार के मधेपुरा में बाहर से आए मजदूरों को उदाकिशुनगंज अनुमंडल ने विभिन्न प्रखंडों में पहुंचाने के दौरान अपराधियों ने 2 मजदूरों के साथ की लूटपाट। बस चालक के साथ भी अपराधियों ने की मारपीट। हरियाणा के फरीदाबाद में जिम संचालकों ने शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर जिमों को खोलने की प्रशासन से मांग और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का किया जाएगा पालन। मध्य प्रदेश के नीमच में शंकर ऑयल मिल में लगी भीषण आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू।